आने पर आज हमारी ये बैठक का करना सार्थकता की दिशा में माना जा सकता है। स्थानीय एमएसएमई को बड़े उद्योगों के साथ साझेदारी करने के अवसर प्राप्त हो गए, जिससे न केवल हमारी अपनी औद्योगिक इकाइयां मजबूत होगी बल्कि कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग के इकोसिस्टम को भी इससे जुड़ने का मौका मिल रहा है। आज लगभग 3,500 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भागीदारी ली है, 6 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भी इसमें सहभागिता ली है। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार से है: मंगोलिया, अल्जीरिया, केन्या, कनाडा, ईरान एंड थाईलैंड के प्रतिनिधि आज के कॉन्क्लेव में हमारे साथ शामिल हुए। 10 राज्यों से निवेश मध्य देश में सहभागिता करने के लिए आए हैं। 150 से अधिक विशिष्ट अतिथि जो अपने अपने इंडस्ट्री क्षेत्र के स्वनाम धन्य बड़े नाम है, ऐसे लोग हमारे बीच शामिल हुए, खासकर जिसमें पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, नवकरणीय ऊर्जा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण एवं पर्यटन के उद्योगपति हैं जो मध्य प्रदेश में रुचि रखते हैं। उद्योगपतियों के साथ अनुभव भी साझा किए गए। मध्य प्रदेश के अग्रसर औद्योगिक नीति और अनुकूल औद्योगिक वातावरण के कारण से निवेश के निरंतर प्रस्ताव पास हो रहे हैं और मुझे इस बात का आनंद भी है कि हर जगह कोई निवेशक एक काम की यूनिट लगाने आता है, लेकिन वो जब माहौल देखता है तो उसकी इच्छा होती है कि वो एक और प्रस्ताव ले ले। मुझे आज इससे कई सारे हमारे मित्रों को भी यहाँ प्रस्ताव मिले। एक बड़ा सेक्टर जैसे आज हमारे बीच में आया और भागीदारी ली है, 6 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भी इसमें सहभागिता ली है। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार से है: मंगोलिया, अल्जीरिया, केन्या, कनाडा, ईरान एवं थाईलैंड के प्रतिनिधि आज के कॉन्क्लेव में हमारे साथ शामिल हुए हैं। 10 राज्यों से निवेशक मध्य प्रदेश में सहभागिता करने के लिए आए हैं। 150 से अधिक विशिष्ट अतिथियों ने जो अपने अपने इंडस्ट्री क्षेत्र के स्वनाम धन्य बड़े नाम है, ऐसे लोग हमारे बीच शामिल हुए, खासकर जिसमें पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, नवकरणीय ऊर्जा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण एवं पर्यटन के उद्योगपति हैं जो मध्य प्रदेश में रुचि रखते हैं। उद्योगपतियों के साथ अनुभव भी साझा किए गए। मध्य प्रदेश के अग्रसर औद्योगिक नीति और अनुकूल औद्योगिक वातावरण के कारण से निवेश के निरंतर प्रस्ताव पास हो रहे हैं और मुझे इस बात का आनंद भी है कि हर जगह कोई निवेशक एक काम की यूनिट लगाने आता है, लेकिन वो जब माहौल देखता है तो उसकी इच्छा होती है कि वो एक और प्रस्ताव ले ले। मुझे आज इससे कई सारे हमारे मित्रों को भी यहाँ प्रस्ताव मिले हैं। एक बड़ा सेक्टर जैसे आज हमारे बीच में आया और ने कहा कि यहाँ हमको मालूम ही नहीं था कि यहाँ तांबा उद्योग भी लग सकता है, तांबे की बड़ी बड़ी खदानें हैं। ऐसे में उनका तुरंत मन बना और बड़े पैमाने पर 1,000 करोड़ की नई यूनिट का उनने अपना मन पक्का किया है। 20 से अधिक उद्योगपतियों, उद्योग संगठनों के साथ 1-to-1 में मीटिंग की गई है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के कार्यकारी संचालक श्री एस के दास, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के BPCL के कार्यकारी संचालक श्री ए श्रीराम, पैसिफिक मेटा स्टील के श्री JP अग्रवाल इत्यादि बड़े औद्योगिक घरानों के साथ में भी व्यक्तिगत चर्चा करके समग्र विकास के लिए डिटेल प्लान बनाने के लिए साथ में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की इकाइयों के साथ भविष्य में विकास की विस्तार से बात करने के लिए आज हमको अवसर मिला है। 2 राउंड टेबल पे अलग अलग प्रकार से 2 सेक्टर पे विस्तार से चर्चा करके उसकी संभावनाओं को बढ़ाने का काम किया है। 1 नवकरणीय ऊर्जा और टेक्सटाइल एंड तकनीकी टेक्सटाइल, 6 सेक्टोरल सत्र हुए: पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम एवं स्टार्टअप, कुटीर उद्योग आदि पर भी विस्तार से
चर्चा की गई। ओएनजीसी के प्रतिनिधियों ने द्वारा बताया गया है कि हटा जिला दमोह क्षेत्र में ओएनजीसी द्वारा 2026-27 में गैस उत्पादन की संभावना है, जिसको तुरंत शुरू करने के लिए आवश्यक अनुमतियां और कुछ कार्रवाइयां की गति देने की जरूरत है। हमने निर्णय किया कि न केवल हटा दमोह बल्कि मध्य प्रदेश के कई जिले जैसे बालाघाट, मंडला और अन्य हमारे पास गैस आधारित उद्योग लगाने की बड़ी संभावना है। इस पर समग्र रूप से हम काम कर रहे हैं और हमारी प्रायोरिटी है कि 26-27 में हटा का गैस उत्पादन शुरू करा दें और इसके साथ साथ बाकी भी सेक्टर में इसी प्रकार से चिंता। कॉन्क्लेव में बुंदेलखंड हैकेथलॉन का आयोजन किया गया, जिसमें 60 स्टार्टअप द्वारा भाग लिया गया है। प्रतिभागी स्टार्टअप में से प्रथम विजेता को 5 स्टार्टअप पुरस्कार राशि, ट्रॉफी, प्रशंसा पत्र ये लाखों रुपये के दिए गए। आशय पत्रों का विवरण, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 में 96 इकाइयों के आशय पत्र जारी किए गए, जिसमें 240 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया, जिसमें 1560 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश एवं 5900 से अधिक व्यक्तियों का रोजगार इन आशय पत्रों में समाहित है। निवेश बढ़ाने एवं सुविधा बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश से बाहर तमिलनाडु में भी आज हमने कोयम्बटूर में एक ऑफिस चालू किया है, ताकि वहाँ के निवेशक अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एमपी गवर्नमेंट से कांटेक्ट करने के लिए वो मीडिएटर के रूप में हमारा ऑफिस काम करेगा। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के बाहर तमिलनाडु की तरह बंगाल की राजधानी कलकत्ता और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी 2 ऑफिस खोलने की आज घोषणा मेरे द्वारा की गई है, ताकि वहाँ से निवेशक हमारे मध्य प्रदेश में अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा दे सके। कुल मिलाकर के कॉन्क्लेव में लगभग आज की स्थिति में 1000 करोड़ से के प्रस्ताव और जुड़ेंगे, लेकिन अभी से 2 घंटे पहले का आंकड़ा जो मेरे पास आया था वो 18981 करोड़ का है, और इसमें 1000 जोड़ते हैं तो लगभग ये 19981 अर्थात लगभग 20,000 करोड़ के आसपास का ये हमारा यहाँ का आज का इस कॉन्क्लेव में निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 23,000 और बढ़ गया, लगभग ये हर घंटे बार बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार जैसे मैंने कहा कि निवेशक अपने प्रतिपल उत्साह उमंग दिखाई दे रहे हैं, तो ये जैसे स्कोर होता है क्रिकेट का, हर घंटे बाद स्कोर में रन बढ़ते जाते हैं, ऐसे निवेशकों के प्रस्ताव बढ़ते जा रहे हैं। तो 23,000 करोड़ का निवेश हमारी आज की सागर की कॉन्क्लेव में प्राप्त हुआ है, और इसके माध्यम से लगभग 27,875 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मैं दोबारा दोहराता हूँ, यह आंकड़ा इतना बड़ा है, ये उत्साहवर्धक है। 27,875 रोजगार के अवसर ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से भविष्य में मिलने वाले हैं, जिसकी बृहत अर्थात बड़ी औद्योगिक इकाई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम औद्योगिक इकाई, ये सब मिला करके ये बड़ा सेक्टर हम कवर कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमारी ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ने अपना रोल अदा किया, उसमें कुछ उल्लेखनीय बड़ी इंडस्ट्रियों के नाम मैं ले लूँगा, यही पर्याप्त है, बाकी छोटी छोटी जोड़ेंगे तो काफ़ी है। अर्थात जैसे हमारी गीतांजलि ग्रुप के द्वारा, पैसिफिक मेटा स्टील के द्वारा निवाड़ी जिले में 3200 करोड़ के लागत से एक इंडस्ट्री लगने वाली है, जो समग्र रूप से स्टील निर्माण का काम करेगी। ये इस प्रकार की इंडस्ट्री अपने मध्य प्रदेश की पहली इंडस्ट्री होगी, जिसके माध्यम से 1250 लोगों को रोजगार मिलेगा। पैरामाउंट केबल द्वारा केबल निर्माण के लिए 250 करोड़ की लागत से अपनी इंडस्ट्री लगाने की घोषणा हुई है, जिसमें 375 लोगों को रोजगार मिलेगा। अवनी परिधि द्वारा छतरपुर में खनिज की एक इंडस्ट्री लगाएंगे, जिसमें 371 करोड़ की लागत है और 300 करोड़ के लोगों को
इस 300 रोजगार के अवसर अर्थात रोजगार पाने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। इंडस्ट्री एंड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा बीना में गारमेंट्स की 100 करोड़ के निवेश की योजना, जिसमें 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये लागत इसमें, लेकिन हमारा इसमें इंसेंटिव रहता है, इसलिए 500 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिलाना ये बहुत बड़ी एक तरह से यूनिट रहेगी। ये गारमेंट्स के काम के लिए बीना में लगाई जाएगी। मध्य भारत एग्रो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बंडा सागर में रसायन उर्वरक की 400 करोड़ की एक इंडस्ट्री लगाई जाएगी, जिसमें 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। डाटा सेंट्रिक्स के माध्यम से सुर्खी सागर में, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मध्य प्रदेश का पहला डाटा सेंटर बनेगा इस माध्यम से। इसमें 1700 करोड़ का निवेश है और 500 से 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये अकेले सागर के अंदर का हमारा डेटा सेंटर पहला है। इसके बाद बाकी मालवा और भोपाल अन्य जगह प्रस्ताव आने लगेंगे। इको सीमेंट गोयल ग्रुप द्वारा पन्ना में 2000 करोड़ की लागत से सीमेंट का नया प्लांट डाला जाएगा, जिसमें 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। फ्लाई ओला अर्थात जो पीएम श्री अभी हमारी एयरलाइंस स्टेट लेवल पे जो हम काम कर रहे हैं, उन्हीं के ग्रुप द्वारा एविएशन का नए प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिसमें 1800 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है, जिसमें सागर, उमरिया, नीमच, सिंगरौली में ये अपने एयरपोर्ट संचालित करते हुए ये निवेश की घोषणा की गई है, जिसमें सागर को हवाई यातायात की सुविधा सबसे पहले मिलेगी। इसमें क्रमशः बाद में इसके क्रम आते रहेंगे। अलिंज पोर्टेबल पेट्रोल पंप अर्थात अब एक नई तकनीक चली है, जो पोर्टेबल पेट्रोल पंप पे अर्थात अभी तक परंपरागत जो पेट्रोल पंप अंदर ज़मीन में गाड़ा के टैंक और पेट्रोल पंप लगते थे, अब उसमें नई टेक्नोलॉजी के आधार पर भारत सरकार ने इसको अप्रूव किया है। तो ये टैंक अंदर गाड़ करके वो परंपरागत पेट्रोल पंप के बजाय ऊपर भी टैंक इनका रख करके उनकी आवश्यक सुरक्षा के संसाधन के साथ भारत सरकार के नियमों के अनुसार वो चला सकते हैं। इसमें 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और 400 से ज़्यादा पेट्रोल पंप ऐसे खोले जा सकेंगे। एमएसएमई विभाग द्वारा निवेश के विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रस्ताव जो आए हैं, जो केवल सागर संभाग के सभी जिलों के लिए, वो 940 करोड़ के लगभग 4,500 लोगों को रोजगार दिलाने के प्रस्ताव आज यहाँ प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से जैसे हमने कहा है कि ये जब संभागीय कॉन्क्लेव होती है तो संभाग के अलावा मध्य प्रदेश के भी विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी उनके भी एमओयू लगातार चलते रहते हैं, उस दिशा में भी हम प्रोत्साहन देते हैं। आज नर्मदापुरम में एनर्जी के सेक्टर में 750 करोड़ की लागत से 1000 लोगों को रोजगार दिलाने में अल्पेक्स सोलर लिमिटेड ने एक अपना नया एमओयू किया है। ये इसी प्रकार से असेट्स प्राइवेट लिमिटेड भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमी कंडक्टर में 100 करोड़ का निवेश करेंगे। इसी प्रकार से आर के सेठिया एग्रो प्राइवेट लिमिटेड ये नर्मदापुरम में 800 करोड़ की लागत से कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण की इकाई लगाएगा, जिसमें 850 लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। सिग्मा इंजीनियरिंग भोपाल 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, बारमाल्ट माल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सीहोर में 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, दारा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सीहोर 750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ये सीहोर में लगभग 950 लोगों को रोजगार देगा। इज ग्रीन मोबिलिटी इज माई ट्रिप भोपाल द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण में 1000 करोड़ का निवेश, 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार से बंसल ग्रुप द्वारा 1350 करोड़ की विभिन्न अलग अलग योजनाओं में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में होटल व्यवसाय के लिए, इसमें 2000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि एनर्जी के ही सब मिलाकर के ये सारे प्रस्ताव देखो तो लगभग 2300 करोड़ के प्रस्ताव, 23,000 करोड़ के, अब गिनती भूल गए हम तो, इतना ख्याल हो गया। लेकिन परमात्मा की दया से बदलते दौर में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमारे सभी सेक्टर में जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है आप अपने सबके सहयोग से मध्य प्रदेश औद्योगिक निवेश की दृष्टि से इसी गति से बढ़ते हुए अगले महीने हमारे पास, हम रीवा में इसी प्रकार की कॉन्क्लेव करने वाले हैं और इन्हीं कॉन्क्लेव में इसके बाद इसी बीच हमारा हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्र की राजधानी में एक रोड शो होने वाला है,
ताकि निवेशकों को हम क्रमशः बाहर के राज्यों से बुलाते रहते हैं और अपने राज्य के अंदर की बातों को वहाँ समझा करके यहाँ की इंडस्ट्री पॉलिसी पे बात करते हैं। 2-3-4 घोषणा मैं यहाँ के लिए करना चाहूँगा। सागर के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के अवसर पर सिंध गोवा औद्योगिक क्षेत्र सागर में बैंकिंग कार्यों हेतु एक बैंक की शाखा खोली जाएगी। इसके कारण से स्थानीय निवासियों और निवेशकों को वित्तीय सेवा में सरलता प्राप्त होगी। सिंध गोवा सागर नगर निगम और इंडस्ट्रियल बेल्ट में ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के बीच MOU हुआ है, जिसमें 10 MLD ट्रीटेड पानी हम उद्योगों को लिए दिलवाएंगे। ये परस्पर MOU आज हुआ है। इसी प्रकार से भारत सरकार दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें MPIDC के माध्यम से सागर जिले के मसवाली गाँव में 1300 एकड़ का नया मेगा इंडस्ट्रियल पार्क भी डेवलप करने की आज हमने यहाँ घोषणा की है, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और एक नया पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट बनेगा। ODOP के माध्यम से भी एक जिला एक उत्पाद की नई नीति हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें स्थानीय शिल्प और कौशल को बढ़ावा दिया जाएगा और आर्थिक क्षेत्र समृद्ध करने के साथ ग्रामीण क्षेत्र को भी वित्तीय तरलता में ताकत मिलेगी। कोलकाता में निवेश संवर्धन का MPIDC का और कलकत्ता सहित मुंबई में भी नया कार्यालय खोला जाएगा, जिसमें सभी प्रकार की इन व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हमारे ये जो निवेशकों के प्रस्ताव आ रहे हैं, निश्चित रूप से एक नया रिकॉर्ड बनेगा और रिकॉर्ड दो नाते से आने वाले समय में जो हमने तय किया है कि मध्यप्रदेश सरकार का बजट 5 साल में डबल करते हुए सभी प्रकार के निवेश की संभावनाओं के साथ हमारी आर्थिक संग्रहण की ताकत भी बढ़े और राज्य वित्तीय व्यवस्था में मजबूत बने। मुझे पूरा भरोसा है कि 5 साल तो लंबा है, लेकिन जिस प्रकार से ये गति बनी है, लगभग 10 महीने में जिस प्रकार के संदेश आ रहे हैं और ये गतिविधि संपन्न हो रही, लगभग लगता है कि उस निर्धारित अवधि के पहले ही हो सकता 3 या 4 साल में हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ले। मैं आज के इस अवसर पर, चूँकि मौसम खराब हो रहा और हेलीकॉप्टर उड़ने के मेरे पास 4 अलग अलग पर्चियाँ आ गई है, तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरी बात में सारी बात आ गई होगी। एक बार फिर मैं सभी पत्रकार साथियों का, मित्रों का बधाई देता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।